हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्पाइस मनी का एजेंट आईडी अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स उसका पासवर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आसानी से आप न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यू पासवर्ड बनाकर आप अपना आईडी लॉगिन करके चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले मैं अपना स्पाइस मनी का आईडी ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपना आईडी ओपन करूँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको बताएगा मेरा एजेंट आईडी और यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा हमसे। ये तो मेरा आईडी बता रहा है, पासवर्ड भी पूछ रहा है, तो मुझे तो पासवर्ड मालूम है नहीं, चूँकि मुझे पासवर्ड चेंज करना है, फॉरगेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमको यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा पासवर्ड भूल गए पे। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा एजेंट आईडी, यानी कि चूँकि एजेंट आईडी यहाँ पर मांग रहा है डालने के लिए, तो मेरा आईडी मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आईडी अपना डाल दूँगा तो यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा अब आगे बढ़े पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक कर दिया तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का इंटरफेस आने के बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पे ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ न्यू पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद फ्रेंड्स उसी पासवर्ड को फिर यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम चलिए इसको ओटीपी डालकर नया पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बना लेता हूँ मैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डायल कर दिया है और यहाँ पे नया पासवर्ड भी मैंने बना लिया है। यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो आपको बनाना है वो पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे डायल कर देना है नीचे फ्रेंड्स। ठीक है, इस पर और उसके बाद ये सब डालने के बाद फ्रेंड्स आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। यानी कि एक फ्रेंड्स आपको मैं बात बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पासवर्ड आप बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए आपको, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए मांगता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर पासवर्ड बनाइएगा, तो यहाँ पर आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और उसके बाद @hutch इस तरह से कुछ ना कोई फ्रेंड्स @hutch मिलाकर और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और न्यूमेरिक की इस मिलाकर फ्रेंड्स तभी आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यानी कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर न्यूमेरिक की और @hutch इसमें से कोई फ्रेंड्स लेकर के आपको ये बनाना पड़ेगा, और कम से कम आपको 8 अक्षर का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे फ्रेंड्स, ध्यान दे, पासवर्ड को कम से कम 8 अक्षर होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस अक्षर, एक लोअर केस अक्षर, एक विशेष चरित्र और एक अंक शामिल हो। यानी कि फ्रेंड्स चारों मिला करके तब आपका एक ये पासवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये अपर केस न्यूमेरिक की स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मिलाकर फ्रेंड्स आपने पासवर्ड बना लीजिएगा, और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आगे बढ़े पे तो आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ गया। यहाँ पर बता रहा है योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुल, यानी कि मेरा पासवर्ड सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक चेंज हो चुका है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक पे, और उसके बाद फिर मैं रिडायरेक्ट बैक आ जाऊँगा यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फ्रेंड्स लॉगिन करना है, तो मेरा यहाँ पे आईडी बता रहा है एजेंट आईडी, और नीचे यहाँ पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो यानी कि न्यू पासवर्ड जो मैंने बनाया है वही पासवर्ड हमको यहाँ पे अब डालना पड़ेगा, ओल्ड पासवर्ड नहीं डालना है, न्यू पासवर्ड जो मैंने बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पे फ्रेंड्स डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ जो मैं पासवर्ड बनाया हूँ। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया फ्रेंड्स तो उसके बाद हमको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन करें। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। चलिए, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स तो मेरे मोबाइल पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा OTP मोबाइल पे आ चुका है, और ये ऑटोमेटिक ये ले लिया, और यहाँ पे लिख रहा है खाता वेरिफिकेशन, इसमें कुछ सेकंड लग सकते हैं। यानी कि मेरे मोबाइल में सिम लगा हुआ है फ्रेंड्स, और उसमें OTP आया, तो ऑटोमेटिक ये OTP इसमें ले लिया फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद सत्यापन कर रहा है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये सही है, सत्यापन हो चुका है, और ये मेरा सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरा आईडी लॉगिन हो गया, और इस तरह